और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके को रंगी के चिड़ियाघर में 2 माह कबल पैदा होने वाले शेरनी के 2 बच्चों को शहरियों को दिखाने के लिए पेश कर दिया गया। मजीद बता रही हैं मानिया शकील। जी मानिया, बिल्कुल, कहीं कहीं नवी सुनाई दी या ना सुनाई दी, चिड़ियाघर में जरूर नवी सुनाई दी गई कि पूमा के 2 बच्चों को रुनुमाई के लिए बाहर निकाल दिया गया, ताकि जो है लोग भी देख सके कि पूमा जो है जो कोरंगी की चिड़िया घर में आ चुका है। मेरे कैमरा मैन ऐसा आपको दिखा सकते हैं कि पूमा इस वक्त वहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आराम कर रही है। वहाँ 2 बच्चे जो हैं उसके साथ खेल रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं, जो जिनकी उम्र सिर्फ 2 माह है, और वो सिर्फ यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं ताकि लोग जो उन्हें आए देखें और जो है अब जो है वो इस बाहर की दुनिया को महसूस करें, बाहर की रोशनी भी देखें। अभी तो वो बच्चे काफी छोटे हैं, ना सके तभी उनके खास निगरानी की जा रही है ताकि जो पूमा के बच्चे बीमार ना हो। मेरे कैमरामैन एहसान आपको ये भी दिखा सकते हैं कि उस 2 पूमा के बच्चों को देखने के लिए कई बड़ी तादाद जो है बच्चों की यहाँ पे बहुत मौजूद है कि सारे बच्चे यहाँ पे आके पूमा को भी देखें और साथ साथ ये मजे भी करें कि भाई पूमा के बच्चे नए नए हैं तो आके उनको देखा जाए, उनसे मजे किए जाए, उनको देखा जाए कि वो कैसे हैं, क्या अटखेलियां कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वैसे तो पूमा के बच्चे थोड़े नाजुक हैं लेकिन उनकी खास निगरानी की जा रही है, उनका खास ख्याल रखा जा रहा है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, वो बिल्कुल ईद का चांद हुए कि सब बेचैन है कि किस तरीके से पर्दा उठे और पूमा के बच्चे सामने हो और सबको अटखेलियां करते देखें और अपनी अपनी अदाएं। वो इस वक्त सबसे नाराज होकर जाके कोने में बैठ तो गए लेकिन फिर भी सबकी नजरें उन्हीं पूमा के बच्चों पर ही है। जी जी मानिया, जी मानिया शकील, शुक्रिया आपका। उधर चिन्योट में बैल कुएं में जा गिरा, रेस्क्यू टीम